अखिलेश यादव का बुंदेलखंड प्लान जबरदस्त है। बुंदेलखंड से बीजेपी का सफाया होना लगभग तय है। वो प्लान क्या है ये तो आगे डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले आज की तस्वीर देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गिनते गिनते थक जाएंगे आप, लेकिन फिर भी अखिलेश की सभा में आई भीड़ को गिन नहीं पाएंगे। यहाँ कोई पैसे देकर नहीं बुलाया गया, न ही स्टेट परिवहन की बसें बुक कराई गई, न ही लोगों को परेशानी हुई, न ही पैसे खर्च किए गए, न ही जानवरों की तरह खाना बांटना पड़ा। ये एक सच्चे नेता के सच्चे कार्यकर्ता थे जो साफ साफ सत्ता में बदलाव की तस्वीर दिखा रहे थे। आज से अखिलेश यादव ने 3 दिनों की बुंदेलखंड यात्रा शुरू की है। अखिलेश यादव की बुंदेलखंड यात्रा की शुरुआत महोबा से हुई, बांदा, ललितपुर और झांसी होते हुए यात्रा लखनऊ जाकर समाप्त होगी। अखिलेश यादव की नजर बुंदेलखंड की 7 जिलों की 19 सीटों पर है। बुंदेलखंड में हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इन जिलों को मिलाकर एक मंडल है, जबकि झांसी, ललितपुर, जालौन को मिलाकर दूसरा मंडल। यानी अखिलेश की यात्रा 4 जिले, 2 मंडलों और 19 विधानसभा सीटों को प्रभावित करेगी। अखिलेश का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री भी बुंदेलखंड आ चुके हैं। बुंदेलखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का पिछड़ापन, पानी की किल्लत और सूखा। महोबा के मंच पर अखिलेश के साथ उनके सारे सहयोगी दल भी मौजूद रहे और ये उनके लिए अच्छा संकेत था। केशव देव मौर्य से लेकर कृष्णा पटेल तक हर कोई अखिलेश के साथ मंच साझा कर रहा था। इस तस्वीर के ठीक 12 घंटे पहले ट्विटर पर एक बेटी के लिए अखिलेश के सभी दल साथ नजर आए और 12 घंटे बाद फिर से ऐसी ही तस्वीर देखी। यानी ऐसी एकता जो विरोधी खेमे में खलबली पैदा कर रही थी। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी मौजूद थे। अब बारी थी अखिलेश की। अखिलेश ने एक नारा दिया और सभा में हजारों लोग तालियां बजाने लगे। कि बुंदेलखंड यही पुकारता, नहीं चाहिए भाजपा। हमारे बुंदेलखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन दिया। विधानसभा का चुनाव हुआ होगा, विधानसभा में भारी बहुमत देकर के जिता करके भेजा। लोकसभा का चुनाव भी जिस समय हुआ था, यहां की जनता ने पूरा समर्थन दिया। इस बार के लोकसभा में भी पूरा समर्थन मिला। बुंदेलखंड में पूरी भाजपा है, विधायक सब उनके हैं, लोकसभा भी उनके सभी सांसद हैं, किसी को कुछ नहीं मिला। बताओ हमारे बुंदेलखंड के और बांदा के लोगों, इनके वादे जुमले निकले कि नहीं निकले, इनकी बातें झूठी हैं कि नहीं हैं? और कहां हमारे किसानों को कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, किसान की पैदावार जो होगी हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ बुंदेलखंड के हमारे किसान भाइयों, ये किसान के बेटे नौजवानों, बताओ आय कहां दोगुनी हो गई? किसी फसल की आपको कीमत मिली हो तो बताओ? जो वादे किए थे आय दोगुनी के, वो तो पूरे नहीं हुए, लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती चली जा रही है, आसमान छू रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाले लोगों को हम हवाई जहाज में बैठा देंगे, और पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया कि आज गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती, हर चीज महंगी है। महंगाई और बीजेपी के 5 सालों के कार्यकाल पर भी अखिलेश ने हमला बोला। केवल बिजली के बिल आपको महंगे दिए हैं, बिजली नहीं बनाई, बिजली के बिल महंगे दिए हैं। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, अपने किसान भाइयों की हमने सिंचाई मुफ्त की थी, सिंचाई मुफ्त थी। सरकार बनेगी तो अपने किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त के लिए इंतजाम करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। नौजवानों, हम कह के जा रहे हैं, आज भी लैपटॉप चल रहा होगा जो समाजवादी सरकार में दिया गया था, वो लैपटॉप अभी भी चल रहा है, कहीं बंद नहीं हुआ होगा। अगर खोलते होगे तो आज भी नेताजी और हम लोग ही दिखाई दे रहे हैं उसमें।
इसलिए आज जब परिस्थितियां बदली हैं, इनका 4.5 साल का कार्यकाल देख लिया आपने, इनके कार्यकाल में केवल बर्बादी हुई है, विकास नहीं हुआ है। अगर विकास हुआ होता तो हमारा किसान खुशहाल हो जाता, हमारे मजदूर खुशहाल होते, नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाते। लेकिन 4.5 साल की सरकार में डबल इंजन की सरकार, इस डबल इंजन की सरकार का बुंदेलखंड आते आते इंजन फेल हो गया है, कोई इंतजाम नहीं कर पाई सरकार। लेकिन आपके भविष्य का भी चुनाव है, आपको अपना भविष्य बनाने के लिए साइकिल की मदद करनी है। ये बीएड वाले लोग घूम रहे हैं बेरोजगार बड़ी संख्या में, शिक्षामित्र भी बेरोजगार हैं। अभी टीएटी की परीक्षा हुई थी, ये टीएटी की परीक्षा देने लाखों लाख हमारे नौजवान गए, इतनी मेहनत की, परिश्रम किया, पैसा खर्च किया, लेकिन जैसे ही परीक्षा में बैठे पता लगा परीक्षा का पेपर लीक हो गया। ये हमारे नौजवान जानते हैं कि ये पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ है, ये सरकार जानबूझ करके पेपर लीक करती है, ये लीक करने वाली सरकार है। और इसीलिए लीक करती है क्योंकि हमारे नौजवान को नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहती है। टीटी के परीक्षार्थी हमारे भटक रहे हैं, बीएड वाले भटक रहे हैं, शिक्षामित्र भटक रहे हैं, बीटीसी वाले भटक रहे हैं, कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादियों की सरकार लाइए और रोजगार पाइए, नौकरी पाइए, क्योंकि हमारे नौजवानों से हमारे समाज का, देश का भविष्य भी जुड़ा है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ, बहुत अन्याय है उत्तर प्रदेश में, मामूली अन्याय नहीं हो रहा, न केवल आपके यहां पर, हर जगह मनमानी चल रही है। ये बुलडोजर वाली सरकार, ये बुलडोजर वाले लोग, ये याद रखें, बुलडोजर सड़क पर चला करता है, लोगों पे बुलडोजर नहीं चलता। और लोगों के पास इस बार अधिकार है वोट का, इतना वोट का बुलडोजर चलेगा, इतना वोट का बुलडोजर चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पता नहीं लगेगा। कौन सोच सकता है कि जो 100 नंबर वाली पुलिस थी उसको भी बर्बाद कर दिया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि नोटबंदी आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापिस आ जाएगा। बताओ, नोटबंदी के बाद कौन सा भ्रष्टाचार रुक गया? और 100 नंबर का जब से 112 किया है तब से पुलिस का भी पता नहीं क्या हो गया है, पुलिस भी इन्होंने खराब कर दी है। और एक घटना नहीं, दो घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में न जाने कितनी अन्याय की घटना हो रही हैं। हर गरीब अपमानित हो रहा है, जो न्याय चाहते वो न्याय नहीं पा रहे हैं। यहां पर ही बांदा में मुझे बताया अभी मंच पर, अमन त्रिपाठी जिसकी हत्या हो गई, आज भी पुलिस केस नहीं खोल पाई, उनके परिवार के लोग धरने पर बैठे हैं, न्याय नहीं मिल रहा। वो हमारे आपके समर्थक हैं नहीं है वो बात अलग है, लेकिन उनके साथ अन्याय हो रहा है। कैसी पुलिस, कैसा प्रशासन जो अभी तक दोषियों को नहीं पकड़ पा रहा है, और कैसे दोषियों को पकड़ेगा? क्योंकि जो दोषी को बचाने वाले सरकार में बैठे हैं, जो लोग कहते हैं दूसरे लोगों को माफिया, अपराधी, बताओ उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री ऐसा भी बना है? इतने मुकदमे हों, हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। अगर कहीं उदाहरण हो तो हमें बता दो आप, कोई उदाहरण है ऐसा कहीं पर? और जो बुंदेलखंड की हालत कर दी है, हमारे गरीब लोगों की जो हालत कर दी है पैदा,
आज गरीब गरीब होता चला जा रहा है। अखिलेश ने बुंदेलखंड के जज्बात को छूने की कोशिश की है। जिस तरह से उनकी विजय यात्रा ने पूर्वांचल में सपा के पक्ष में लहर पैदा की, उसी तरह अखिलेश का जलवा बुंदेलखंड में भी नजर आ रहा है।